आज मैं सेरेटन होटल में एक आर्ट गैलरी देखने आया था जो कि अंजलि गुप्ता ने बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की हुई है। मुझे इसमें कुछ पिक्चर्स इतनी अच्छी लगी उसको देख के कि मैं आज अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी फील जो उनकी दिल से उन्होंने जो आर्ट इसमें किया हुआ है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसी पिक्चर देखने को कम मिलती है। और मुझे आज ये पिक्चर देखने की मिली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी उन्होंने उस पिक्चर को इस आर्ट में उतारा है, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने रंगों को अपने दिलों की जो उन्होंने सोच को इस आर्ट में उतारा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कलर का जो मैच इन्होंने किया है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, बहुत अच्छा शांति का प्रतीक। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ऐसी सोच को इसमें लाके उन्होंने देख मैसेज दिया है कि हम किस तरीके से इस आर्ट से हम बेटी को बचा सकते हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अंजलि जैसे लोगों से जुड़ें और अपने अच्छे विचार जो उन्होंने इस आर्ट में उतारे हैं आप जाके लें उस पेंटिंग को और अपने घरों में लगाएं, अपने परिवार को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं कि एक पेंटिंग के जरिए हम किस तरीके से अपने देश को सुधार सकते हैं और अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जैसे हम बेटियों को आगे ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मुझे यहाँ पर बुलाया, और अंजलि जी का मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दोबारा इसलिए देना चाहता हूँ कि वो ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हैं कि हर तरीके से रंगों से वो एक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। बेटी बचाओ तो है ही, और बहुत गरीब लोगों को जिस तरीके से वो एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छे लोग ही हैं, बहुत कम बचे हैं जो इस तरीके के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं।